हेलो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस काइंड ऑफ एन इशू इज योर इशू? कितने लोगों को लगता है कि वो लोग सिली एरर्स करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर एक लेवल के बाद इंप्रूव नहीं होता है, और कहीं ना कहीं दे इंटरनली फील सर सिली एरर नहीं होते ना तो मैं पेपर निकाल लेता। इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी हिट दैट लाइक बटन बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू रिमूव दिस वंस एंड फॉर ऑल। Hello students, so this is your Anoop sir and we guys are back with top strategy videos where I am going to tell you what is the best method to remove a particular problem with the top strategy which every successful candidate at every successful examination has done. So today we guys are going to talk about what happens when there is a silly error. So silly errors could be of many types, right? It could be 3 into 2, you can do it equal to 5. This looks like ye toh sir bahut bachchon wala error hai, right? Silly ki definition kya hoti hai? Silly means intrinsically which is idiotic in nature. तो अगर आपकी वही गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये silly error ही तो है, और you will find these kind of errors being repeated every day, not just at exam but every day. So now understand why it happens and sir क्या मैं इसको improve कर सकता हूं जिसकी मदद से मेरा score improve हो जाए? अगर आपको लगता है कि आपकी problem है तो क्या करना है? Hit that like button and do subscribe to our channel. So silly error, as the name suggests, सिली इन नेचर, मतलब ये हम एक लेवल के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी अगर हम बात करें हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ दी सिली एरर्स एंड व्हाट इज माय टेंडेंसी एज अ स्टूडेंट, मैं कैसा स्टूडेंट हूं और सिली एरर्स की टेंडेंसी क्या है। अगर वो मैच हो जाती है तो उसका मतलब मैं सिली एरर करूंगा। अगर मैं अपने उस पावर को जो मेरा एक स्टैंडर्ड बन गया है उसको कंट्रोल कर लेता हूं तो आई विल नॉट फॉल इन द टेरिटरी ऑफ सिली एरर्स। So, देखो मिथ क्या है, सबसे पहले वो बात करते हैं। देयर इज अ मिथ अराउंड सिली एरर्स। सो सिली एरर्स वी फील जनरली हैपन इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि हम अगर बात करें कहीं ना कहीं जब भी हम किसी भी एग्जाम में सॉल्व करें, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, तो डिफिकल्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमें एक दिमाग में पिक्चर आती है सर डिफिकल्ट क्वेश्चन में मेरे सिली एरर्स होते हैं। Easy, medium, difficult, मान लीजिए easy, medium, hard, हम ऐसे categorize करते हैं तो हमें लगता है difficult questions है। But that is the biggest myth that we guys have. Generally, the fact is, silly errors occur in easy questions. आपके गलतियां कहाँ होती हैं? उन questions में होती है जो आपको आते हैं पर फिर भी आप वहां पर negative marking लेके आते हैं, that is where silly error occurs. Difficult question में the probability of getting a silly error is the least. अब समझो उसका logic क्या है। Logic है, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज अगेन प्रूवन बाय साइंस, बेटर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स डू मोर सिली एरर्स। यस, सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड बेटर यू विल डू मोर एंड मोर सिली एरर्स। सो अगर आप कहीं ना कहीं सिली एरर्स करते हैं तो दैट मींस यू आर एक्चुअली स्टडिंग। ना पढ़ने वालों के सिली एरर्स नहीं होते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिली एरर होंगे, है ना? अजीब बात लगती है ना। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉजिक व्हाई इट हैपन। नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाई it happens. So the types of silly errors, the major category why anybody conducts a silly error and why it falls in the easy questions not in the difficult question is over excitement. आपको कोई question है, आपको वो question आता है, आपका करा कराया question आता है, you feel that अरे यार ये तो सर ने कल ही class में कराया था, अरे ये मैंने कल ही book में पढ़ा था, oh yes ये तो अभी वही आ गया यार, paper में वही आ गया। आती है ना ऐसी feelings, तो इसमें आप क्या हो जाते हैं? Over excited, आप pumped up हो गए। आप क्या करेंगे, अब जितने भी कैटेगरीज ऑफ सिली एरर्स हैं आप अब उसके लिए रेडी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। एंड ओवर एक्साइटमेंट जनरली हैपन्स इन विच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस? इजी क्वेश्चंस। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा, तो आपका दिमाग क्या करेगा? पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड होके, फोकस होके जितना आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। वहां सिली एरर की टेरिटरी में फॉल ही नहीं कर पाओगे आप। आपका प्रॉब्लम कहां शुरू होगा? जब क्वेश्चन आसान था तब इंटरसेक्शन होगा दोनों चीजों का, सिली एरर और आपकी इजी प्रॉब्लम का। अब कैसे कैसे हो सकती है? एक्साइटमेंट हो गई। एक्साइटमेंट में आप क्या क्या गलतियां करोगे? देखो, एक होता है कैलकुलेशन एरर। ये जरूरी नहीं है कि सिली इजी क्वेश्चन में ही हो, ये डिफिकल्ट में भी हो सकता है, थ्री इंटू टू। बट ये जनरली कब होता है, इसकी टेंडेंसी कब होती है कैलकुलेशन एरर ज्यादा होने की? ओवर एक्साइटेड होते हैं जब आपको पता है यार कि मेरा ये क्वेश्चन बहुत टफ है और इसमें अगर मैं गलती करूंगा तो माइंड में एकदम से होता है, अगर टफ क्वेश्चन है तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है कि यार
थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि अगर एक भी बार गलत हो गया ना तो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। इजी क्वेश्चन पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। यू वांट टू सेव टाइम इन दैट इजी क्वेश्चन, दैट्स द आइडियल फिलॉसफी ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि मेरे को टाइम सेव करना उस आसान क्वेश्चन में। तो टाइम सेविंग की वजह से सबसे बड़ा एरर कौन है, कैलकुलेशन एरर। दूसरा देखो, इसी में हम क्या करते हैं कई कई बार, रीडिंग एरर। रीडिंग एरर क्या है, यार क्वेश्चन की पहली दो लाइनें पढ़ी वो करी कराई सी लगी, बट बाद में पता चला अरे यार ये जो वैल्यू थी ना, ये कहीं ना कहीं मैंने, जैसे जी लेते हैं हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो वहां 9.8 था पर ग्रेविटी क्वेश्चन में बोला था 10 लेनी है, यार वो पढ़ना ही भूल गया सर, मैं तो एक्साइटेड हो गया, पहली दो लाइनें पढ़ी सर, कर दिया मैंने उठा के क्वेश्चन। पाए दे रखा था क्वेश्चन में 22/7 यूज करने, सर मैंने तो 3.14 लेके वैल्यू कैलकुलेट कर दी और आंसर मेरा कुछ और आ रहा है। सिली एरर्स फॉल अंडर दीज कैटेगरीज। आपसे पूछा कुछ और गया था पर आप इतने एक्साइटेड थे क्योंकि आपने वैसा क्वेश्चन करा हुआ था, या फिजिक्स में मान लो कुछ और क्वेश्चन का कुछ और पूछ लिया, आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट, आपने निकाल दी मैक्सिमम रेंज, क्यों, आपने वो मैक्सिमम रेंज वाला क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ था। एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन ट्रिक यू, उन्हें पता है कि बच्चा जो है इस सेट ऑफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके आता है, तो उसी में वो हल्का सा वर्ड ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना देते हैं और आप बस फ्लैट हो गए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या टाइप का सिलियर आता है, ये बहुत बहुत कॉमन इश्यूज था और पहले ज्यादा होता था जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता था, तो जब अभी भी जैसे नीट जैसे जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन है तो OMR पे हम सर्कलिंग करते थे, तो वो मार्किंग इश्यू होता था एक्साइटेड में, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी मार्क, और वो अभी भी हम लोग करते हैं। आंसर आया था अभी, हम ऑप्शन को डी मार्क करके आगे बढ़ गए। दिस इज वे, एंड दिस ऑल्सो अगेन गाइज नोटिस हैपन्स एट इजी क्वेश्चन, बिकॉज इजी क्वेश्चन पे आपका दिमाग जो है वो ये फोकस नहीं कर रहा था कि यार ये नेगेटिव दे सकता है मुझे, उस समय आपका दिमाग क्या सोच रहा था, यार चलो पॉजिटिव नंबर आ गया और टाइम बच गया, तो उसमें आप ओवर एक्साइटमेंट में गलतियां करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू नाउ स्टार्ट कंट्रोलिंग योर एंग्जाइटी फैक्टर, ओवर एक्साइटेडनेस ऑन इजी क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली ब्रेक द साइकिल ऑफ सिली एरर्स। इसमें एक और जो इशू मेरे पास और बहुत ज्यादा आता है, जब हम डे टू डे एक्टिविटी में सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं नेक्स्ट पेज इशू, तो मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है क्या सिली एरर क्या करते हैं, दे आर डूइंग कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन अगले पेज पे जाना था, ठीक है, तो आपने बस वो कॉपी करते वक्त ही गलती कर दी। सो हाउ टू रिमूव दिस काइंड ऑफ एरर, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ सेट ऑफ कैलकुलेशन मेक श्योर वो एक ही जगह पे हो, आप उसको अगली पेज पे जाके नहीं करेंगे, नेवर एवर डू दैट। अब की बार तो हम बच जाते हैं क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ है, आपको स्क्रैच बोर्ड मिलता है पेपर पे, नीट वालों को शायद अभी भी नहीं, उनका ऑफलाइन है, पर आप घर पे तो ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमेशा, तो मेक श्योर, मेक इट अ हैबिट कि जब आप कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं उसको एक जगह करेंगे, टर्न ओवर पेजेस पे नहीं करेंगे, इससे आपके बहुत ज्यादा सिली एरर्स बचेंगे। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस पिक्चर, आप सबको हेयर एंड टॉर्टोइस स्टोरी याद है, यस ऑब्वियस सबने सुनी है, तो हमारे लिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्यूरेसी is more important for the finish line rather than the speed. So, हम लोग कोशिश करते रहते हैं speed improve, जितना ज्यादा आप इधर focus करेंगे उतना ज्यादा आपके silly errors improve होंगे, हमें improve नहीं करने हैं silly errors, हमें घटाने हैं, decrease करने हैं, focus on accuracy, for accuracy आपको क्या चाहिए, अपने आप को normal रखना है, read the question twice, even if it is easy, you have to make sure मैं question को ढंग से पढ़ूंगा, मैं नहीं भागूंगा, कैलकुलेशन पे उतना ही स्ट्रेस दूंगा जितना मैं एक टफ क्वेश्चन को देता हूं, मैं अंदर से एक्साइटेड फील नहीं करूंगा, अरे यार ये तो आता हुआ क्वेश्चन आ गया सर मेरा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड हैविंग सेड दैट, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि जब आप पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, इसलिए हम कहते हैं पेपर में नॉलेज काम नहीं आती है अकेली, नॉलेज एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है बट द एटीट्यूड, द पर्सन हु हैज अ गुड एटीट्यूड एक्चुअली क्लियर्स द एग्जाम। एटीट्यूड अच्छा बोले तो आपको हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लेके रखना होता है, हर क्वेश्चन को उसी नजरिए से देखना है जैसे आप एक इजी, मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इजी पे जंप ऑन नहीं करना है, डिफिकल्ट से नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है, दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस। हम लोग ये बताते हैं बातें पर बच्चा क्या करता है, सोचता है कि मैं एक दिन पहले, टेस्ट के एक दिन पहले ये काम सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे बच्चों, ये आपको अपनी डेली हैबिट में लाना पड़ेगा। अगर आप सोचते होगे नहीं सर पेपर है मेरा अभी, मैं एक हफ्ते पहले ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लूंगा, अभी तो मैं जैसा पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, नहीं होगा बच्चों, ये गलती 99.99% लोग करते हैं, एंड जो 0.01% बच्चे बचे या परसेंट बच्चे बचे
वही 0.01% लाते हैं जिसमें नॉलेज का इंडेक्स नहीं है। पेपर वैसे भी अगर आपसे बात करा जाए 99% अगर मैं ITJ की बात करता हूं तो वो 10,000 बच्चे हुए टॉप 10,000 के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी की जरूरत है। क्यों? आपके 360 में से 360 आएंगे तभी आपकी रैंक 10,000 के अंदर आएगी, ऐसा नहीं होता है। 360 पे रैंक 1 आती है। अब 360 का पेपर नहीं रहा है तो 300 का हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें 300 में से 300 आएंगे तो टॉप 1 आएगी, टॉप रैंक होगी। पर अगर आप 200 प्लस लेके आते हैं तो आपका क्या होगा, आ जाएगी ना 10,000 रैंक के अंदर। तो आप इसीलिए अब से एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, स्पीड पे नहीं। स्पीड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड गिव इट्स वेटेज जो उसको चाहिए। आपके लिए 4 नंबर या 3 नंबर जो भी आपकी मार्किंग स्कीम होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो आई होप दीज टॉप स्ट्रैटेजी सेशंस विल नाउ हेल्प यू प्रिपेयर बेटर एंड गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन बिकॉज नाउ यू नो द थिंग्स विच पीपल डू नॉट नो और इवन इफ दे नो दे आर नॉट अप्लाइंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट विच पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू गाइस आर स्टिल फेसिंग, जिससे मैं आपको बता सकूं कि उसका इलाज क्या है। Bye-bye. I'll see you in the next video.